पे स्प्रेन करने की ट्राई करें, इट्स के थोड़ा बहुत राइट साइड से यहाँ पे इट्स के मेरे हिसाब से स्पॉटिंग जरूर कर लिया रहेगा। यहाँ पे हाइट एडवांटेज की बात करें तो फैनाटिक के पास एक हाइट एडवांटेज है जहाँ पे इट्स के स्पॉटिंग नहीं कर पा सकते हैं, पर स्काउट है जरूर उन्हें स्पॉटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स के यहाँ पे उनकी तरफ रश ही ना आता हुआ दिख रहा है, रौनक और बाकी के प्लेयर्स ने क्लोजिंग किया है। यहाँ पे पतंजलि जो है वो पीछे से काफी प्यारा कवर फायर देने की ट्राई कर रहे हैं इट्स के ऊपर, फैनाटिक के तीन प्लेयर का रश ही ना आता हुआ दिख रहा है। ग्रेनेड की पिन खोलने की ट्राई की पर कामयाब नहीं रहेंगे, इसके के भी नॉकडाउन होते हुए दिख रहे हैं। टेड एंड ऑशनेक्स बाकी रहेंगे, लेट्स सी यहाँ पे कौन सी प्लेयर बाजी मार जाएंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं दो प्लेयर बाकी रहेंगे, 2v4 फाइट रहेगी फनाटिक की तरफ से, काफी प्यारा पुश आ चुका है, इसके को फिनिश ऑफ भी कर देंगे। ऑशनेक्स देखते हैं कहां पर, ऑशनेक्स भी पीछे की साइड है, यहाँ पे टेड के ऊपर मेरे हिसाब से काफी प्यारा क्लोज इन आ सकता है। पतंजलि अभी भी वही पोजिशन पे हमें देखने को मिल रहा है, सो लेट्स सी टेड एंड ऑशनेक्स क्या परफॉर्म डाउन करते हुए हमें दिखेंगे। फनाटिक के पतंजलि ने सिनर्जी के सिर्वी का किल जो है कंफर्म डाउन करते हुए देख रहे हैं हमें, लेट्स सी क्लोज इन आ सकते हैं टेड की तरफ से, प्यारा सा टेड और यहाँ पे फनाटिक के प्लेयर क्लोज करते हैं टेड के ऊपर, टेड को फिनिश ऑफ कर देंगे। ऑशनेक्स का फॉक जो है यहाँ पे नॉकडाउन होते दिख रहे हैं। टीम तमिलास की बात करें तो 5 किल के साथ उनके चारों के चारों बंदे अलाइव है जोन में। फनाटिक के पतंजलि ने सेल्स के एमके को नॉकडाउन कर दिया गया, आतंकी यहाँ पे फंसते हुए दिख रहे और सेल्स की स्क्वाड को फिनिश ऑफ कर दिया फनाटिक की स्क्वाड ने। पतंजलि जैसा कि आप देख सकते हैं नॉकडाउन है, फ्रैंकी की भी काफी लो एचपी, रौनक भी यहाँ पे नॉकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, विशेष यहाँ पे जोन से मरते हुए दिख जाएंगे। 9 टीम और 26 प्लेयर यहाँ पे अलाइव है, किल फीड देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर होती हुई दिख रही है। भाई साहब क्या किल फीड हमें देखने को मिली, यहाँ पे सेल्स के आतंकी ने फनाटिक के पतंजलि को नॉकडाउन किया था पर संभव दे एबल टू सर्वाइव, जहां पे काफी प्यारा नेट स्काउट की तरफ से फिनिश ऑफ करता हुआ दिख रहा है। 8 टीम और 25 प्लेयर्स यहां पे अलाइव है, टीम सोलो मिड के क्लच गॉड अभी तक सर्वाइव डाउन करते हुए दिख रहा है। मुंबई स्पोर्ट्स के साइको ने यहां पे एक बंदे को नॉकडाउन कर दिया, तो फाइट डाउन होते दिख रहा है वीएसजी क्रॉलर के प्लेयर्स के साथ भी। एमएम के इमॉर्टल ने रिवेंज के राइट को नॉकडाउन कर दिया गया, सो वीएसजी क्रॉलर की स्क्वाड यहाँ पे किल देखे तो एक ही किल उनके पास है पर कंफर्म डाउन नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट फेज भी उनके कब्जे में। एमएम के बिलीव ने यहाँ पे रिवेंज के सोनिक को नॉकडाउन कर लिया गया। बात करें तो आप टीम एमवाईएम की एक बंदा उनका नॉकडाउन है, बिलीव की काफी लो एचपी है, लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सो साइको ने यहाँ पे वीएसजी क्रॉलर के अवी को नॉकडाउन कर दिया, रिवेंज के राइट जो है वो यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए दिख रहे हैं। बिलीव के साथ यहाँ पे रिवेंज की स्क्वाड के एक लास्ट प्लेयर बाकी रहते हैं, परफेक्ट देखते हैं वो क्या करेंगे अगेंस्ट टीम 7Cs यहाँ पे। और एमवाईएम की स्क्वाड है मेरे हिसाब से मेएम की स्क्वाड, यहाँ पे फाइटर आते दिख रहे हैं, रौनक यहाँ पे एमवाईएम के क्लोक को नॉकडाउन कर देते, यहाँ पे थर्ड पार्टी करते दिख रहे हैं। फनाटिक की स्क्वाड, फनाटिक के 9 किल ऑलरेडी हो चुके हैं, नेक्स्ट फेज में जाना है, क्लोक को फिनिश ऑफ करने की पूरी ट्राई करेंगे। स्मोक वॉल बना लिया पे जोन में जाने की, काफी प्यारे स्मोक और स्मोक का यूज हमें उनके तरफ से देखने को मिलेगा। पर वेजी क्रॉलर की स्क्वाड बाकी की स्क्वाड यहां पे देखते हैं क्या करेंगे। यहां पे फ्रैंकी जो है उन्होंने रोड क्रॉस कर दिया, रौनक के तरफ से फ्री फायर आता हुआ दिख रहा है, प्ले जोन से यहां पे एलिमिनेट होते हुए दिख रहे हैं। यहां पे ड्रोन व्यू लेना मेरे हिसाब से लाइबल रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत यहाँ पे टीम तमिलास के ऊपर क्लोज इन आता दिख रहा है। फ्रैंक यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए दिख रहे, बाकी के प्लेयर्स देखते हैं क्या करेंगे। और इसी के साथ टीम तमिलास की स्क्वाड को फिनिश ऑफ किया, फनाटिक के तरफ से डोमिनेशन देखने को मिल रहा है, 14 किल ऑलरेडी होते हुए हमें दिख रहे हैं। फनाटिक के पतंजलि जो कि एक स्काउट है, भाई स्काउट क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, स्काउट के किल्स की बात करें तो 6 किल्स ऑलरेडी उन्होंने लिए लिए, 4 टीम और 11 प्लेयर्स टोटल अलाइव रहते हैं। यहाँ पे वीएसजी क्रॉल की स्क्वाड मेरे हिसाब से उनके 2 प्लेयर्स अलाइव है, पर यहाँ पे रिवेंज के परफेक्ट जो है वो प्ले जोन से मर जाएंगे, यस उनके पास कोई भी चांस नहीं रहेगा। इसी के साथ परफेक्ट जो है वो प्ले जोन से फिनिश ऑफ हो जाएंगे। 3 टीम हमारी यहाँ पे बाकी रहती है, यहाँ पे ब्लाइंड की स्क्वाड के लिए लास्ट फेज में यहाँ पे ग्रेनेड यूटिलिटी का प्रॉपर यूज होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे उनके पास ग्रेनेड या मॉली बची रहे, जितने ग्रेनेड्स मॉली स्मोक रहे वो सारे के सारे यूज अप कर सके। अभी तक जोन का टाइमर नहीं चालू हुआ है पर जल्द से जल्द टाइमर चालू हो जाएगा। पता नहीं यहाँ पे स्पॉट करने की ट्राई करेगा, साइको के ऊपर यहाँ पर वो नॉकडाउन हो सकते हैं, एक प्लेयर को नॉकडाउन किया, फिर कंफर्म डाउन कर देंगे। ब्लाइंड के 2 प्लेयर नॉकडाउन होते दिख रहे हैं, ब्लाइंड के 3 प्लेयर नॉकडाउन हो गए, एक लास्ट प्लेयर बाकी रहता है, ऐसा यहाँ पे क्लोजिंग करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे टीम वीएसजी क्रॉलर की स्क्वाड इजीली एडवांटेज उठा सकती है, यहाँ पे ब्लाइंड का एक लास्ट प्लेयर देखता है क्या करेगा, एक्सपेन इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग और एश ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया। 2v2 फाइट अब रहती है, वीजी क्रॉल के प्लेयर उनके ऊपर रहेंगे। फनाटिक ने काफी प्यारा रशिंग करके 18 किल के साथ डोमिनेशन दिखाते हुए दिख रहे हमें, स्पेशली मैं कहूंगा स्काउट और काफी प्यारा प्रदर्शन दिखाते हुए दिख रहे हैं। रौनक बात करें, रौनक ने यहाँ पे हिलअप कर लिया, वीजी क्रॉल के स्कॉर एच को यहाँ पे नॉकडाउन करते दिख रहे और इसी के साथ एश ऊपर जाकर फिनिश ऑफ कर देंगे। फनाट भाई क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, मुझे तो पता भी नहीं चला एश कब ऊपर गया और उसने एलिमिनेट कर दी पूरी।